एक तो बड़ी खुशी वाली गल है कि मेरे सामने माझे दे विचों नीलियां पीलियां दस्तारां सौंदियां ने। माझे वाले माझा हमेशा ही संघर्षां दा अंदोलनां दा लहरां दा गढ़ रहा है ते माझे ने मार भी बड़ी झली है, चाहे 47 होवे चाहे 84 होवे ते चाहे उदू बाद जिहड़ा सानूं चिट्टे नाल मारिया गया, सब तो ज़्यादा संताप उहदा माझे ने हंडाया। पर चंगी गल है कि असी हमेशा ही, मैनूं भी लगदा हुंदा सी कि यार साडा नौजवान नशिया ने खा लिया, चिट्टे ने खा लिया, पर अज देख के लगदा जदों मैं नौजवानों नूं सड़कां ते देखदा जोश भी है ते होश भी है तो खुशी हो रही है कि नौजवान अपने पंजाब नूं बचाउण लई अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ूगा, संघर्ष करूगा। पर लोड़ हुंदी है कई बारी की हुंदा है कि असी कल्ले जोश तो कम लैने हैं, जोश दे नाल होश दा होना बड़ा जरूरी है। दुनिया दे विच जिन्नियां मूवमेंटां जिन्नियां लहरां जिन्ने संघर्ष लड़े गए ने जिन्ना लहरां दी गवाही चंगे हत्थां च रही है योग हत्थां दे विच रही है वह लहरां कामयाब होईयां ने, संघर्ष जिते गए ने। जिन्हां दी अगवाई माड़ी हो जाती है असी सही राह नहीं दिखा सकते तो लहरां फेल हो जांदियां ने। आओ नौजवान है, आओ कौम के लोग ने जिहड़े चब्बे की धरती से भी लखां दा इकट्ठ कर देंदे ने, बरगाड़ी दे विच भी लखां दा इकट्ठ कर देंदे ने। लगता सी उदों भी कौम नूं कि कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई प्राप्ति होगी, पर उदों साडी अगवाई जिहड़ी मैं समझा योग हत्थां दे विच नहीं होई, सही राह असी नहीं दे सके। असी 47 तो लेके 47 तो लेके असी आई भटकते फिरते हैं। जदों ही कोई सानू माड़ा जा कोई राह दिखाउंदा असी उहदे मगर हो जाने हैं। जे कोई धार्मिक बंदा आ गया असी उहदे नाल, कोई सियासी बंदा आ गया असी उहदे नाल, कोई समाजिक बंदा आ गया असी उहदे नाल हो जाने हैं। पर पई साडे पल्ले निराशा ही है। सब तो अहम गल ये है जदों असी सारे उहदे 25 नूं शंभू दे बार्डर ते सीगे तां विच्चों नौजवानों ने कहा कि भाई चलो दिल्ली वल चाले पाउने आ, तां मैं उत्थे भी गल बोली सी। हुण भी मुंडे फोन करदे ने, सुनेहे भेजदे ने कि भाई चलो दिल्ली कूच करदे आ, दिल्ली कूच करदे आ। तां असीं दिल्ली नूं कूच किवें करना, दिल्ली नूं कूच करना है, पर उहदे लई साडी रणनीति की होनी चाहीदी, साडी तैयारी की होनी चाहीदी है। उत्ते भी मैं कहा सी कि मैं जे असी इत्थों तुर के शंभू बार्डर नूं हो जाने हैं, अगलिया ने साडे बछाड़ा मछूड़ा मार के डांगा डूंगा मार के वापस भेज देना है, तो जिहड़ा संघर्ष है दी थूक निकल जानी है, ठुस हो जाना। असी नहीं चाहते, मान लो उत्थे असी बागियां दे 10-20 बंदे साडे तर के अखबारां च नाम आ जाते, चैनलों में चल पेंदे कि हाँ जी ये बंदे पुलिस नाल टकरा गए, हरियाणा बार्डर ते उन्हां टकरा गए, इन्हां दे विछाड़ां बचियां डांगां बचियां। असी सुरखी बन सकते सी पर संघर्ष की कोई प्राप्ति नहीं होनी सी। सुन बारे काले बहुत तत्ते बहुत आ नौजवान कि भाई छेती छेती क्यों प्रोग्राम दे दिओ। मेरी जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने पंजाब दियां उन्हां नाल कल भी गल होई, अज भी असी लुधियाणे मिलना जाके, कल नूं असी हरियाणे दीआं जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्हां नूं जाके मिलना है, साडी उन्हां नाल भी गलबात चल रही है कि सानूं जिन्ना चिर असी इक झंडे हेठां इकट्ठे नहीं होंदे असी जित प्राप्त नहीं कर सकते। आपो अपनी डूडगी बजाई जावांगे, रौला पाई जावांगे, क्योंकि इत्थों जिहड़ियां रिपोर्टां ने CID रिपोर्ट दिल्ली तक जानी है। हुण CID रिपोर्ट तां इह वी जानी है कि यार इत्थे बाहले दा जिहड़े नौजवान है वह गायकां नाल गाउण वालिआं नाल फोटोआं खिचाउण आए है। फोटोआं खिचा लिओ पर मसला बड़ा गंभीर है भरावो, अगला साडी होंद नूं पिया होया साडी हस्ती मिटाउण नूं फिरदा है, दुनिया तो साडा नामो निशान मिटाउण नूं फिरदा है। 100 साल का लग्या होया हौली 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 हौली
वह इतों तक सीमित नहीं भी कल पंजाब तक सीमित है, अगला कनेडा अमरीका अफ्रीका जिथे भी असं बैठे हैं उतों तक मगर है। एवें नहीं उत्थे गुरद्वारा लड़ाइया पै जाना, एवें नहीं उत्थे चार चार सौ सरूप अपने तौर पर साफ ले जाते, यह समझना पड़ेगा। पहली गल तो मैं कहना कि जिन्ना चिर असी समझांगे नहीं कि साडा दुश्मन कौन है, वह किन्ना खतरनाक है, किन्ना चलाक है, वह किवें सानू खत्म करना चाहता है, उन्ना चिर असी लड़ नहीं सकते ना ही जित सकते। असी जी अपनी ताकत है वह होर पास वरती जाने, ऊर्जा अपनी होर पास लाई जाने। हम सब तो वड्डी गल इह देखो आपां आपस में लड़ी जाने, धार्मिक जथेबंदियां साडियां किन्ने धड़े है वह लड़ रहे हैं आपस में, प्रचारक लड़ रहे हैं धार्मिक, वह एक दूजे दी लत्तां खिच्चण ते लगे हुए है, आई सियासी लड़ रहे हैं। चलो सियासी बंदियां ने तो अपनियां वोटां दा हिसाब किताब देखना होंदा। हुण सुखबीर कहिंदा बई मैं रैली कढूंगा इत्थों आनंदपुर साहब तो अमृतसर तो मोहाली तक ट्रैक्टर रैली तरीक की रखी हुई है, वह कहते असी भाई पहला कुर्बानियां दो करतियां, बजीरी भी छड़ती एनडीए भी छड़ता, गठजोड़ असी तोड़ लिया, कांग्रेस वाले कदे दिल्ली ट्रैक्टर फूक देंदे आ कल दिल्ली फूकता, कदे शंभू बार्डर से फूक देंदे है वह इस लोड लगे हुए ने। एक तो यह गल समझ लो कि उन्हां दा सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही मिशन है 2022 उन्होंने इस इकट्ठ नूं इस अंदोलन नूं अपने हक च किवें वरतना भगताउणा उन्हां दा निशाना यही है। कोई किसान ना दर्द नहीं, कोई पंजाब ना दर्द नहीं, आपां देखदे हां यार वह किहड़ा हित, वह पंजाब दा किहड़ा कुदरती स्रोत, वह पंजाब दी किहड़ी मंग, वह पंजाब दा किहड़ा हक है जिहड़ा बादल वर्ग ने सेंटर को बेचिया नहीं। पर दुख पता कदों होंदा, आ बरगाड़ी मोर्चा भखिया होया सी, लोग सभा दीआं वोटां आ गईआं, असीं गल्लां करदे हुंदे सी, मैं कहा भी लोगों ने बहुत रोह आ बहुत गुस्सा है, तो हरसिमरत नहीं बठिंडे जीती, वो साडे जिले वाले ने बठिंडे हरसिमरत जिताती, तो आ माझे वाले ने इत्थों फरोज फरोज सुखबीर जिताता, तो बीबी खालड़ा असी उहदा भी हक चाहुंदे रहे, महीना आए उन्हां एरिया सेरिए दे विच लोगों को जाया करके पिंडां जाया करके पुछया करके नौजवानों कि जसवंत सिंह खालड़ा कौन सी, जे 200 खड़ा 400 खड़ा नीवियां पा लैंदे सी पता ही नहीं। इतों वड्डी लानत साडे ते की हो सकती है कि जिहड़ा इंसान साडे 25,000 लाशां नूं लभदा लभदा आप खुद एक लावारस लाश बन गया यार, उहदे बारे पता तक ना हो कि कौन आ रहा, साडी त्रासदी है आ साडी बदकिस्मती है। पर उही गल आ गई ना भी कल्ला असी गायकां नाल गाउण वालिआं नाल फिल्म वालिआं नाल फोटोआं खिचाउण वाले हाँ, असी सोडे फैन जी, असी सोडे फैन जी, उन्हां पिछे गालो गाली होई जाओ लड़ी जाओ, यही चीज तो चाहुंदियां सरकारां, यही चीज तो एजेंसियां चाहुंदियां कि किवें इन्हां नूं लड़ाउणा है, किवें आपस में जोड़ो जोड़ी कराउणा है। सो मेरा वीर मेरा कहण दा भाव है मसला बड़ा गंभीर है, हमले बड़े खतरनाक होने हैं, हो रहे ने ते होने हैं, साडे पानी भी खोने हैं, सानू साडी किसानी भी खोली, साडी जबान भी खोली, राजस्थान हरियाणा जम्मू कश्मीर चो पंजाबी जबान खत्म कर दिती गई, अगला नंबर कित्थे आउणा है, इत्थे आउणा है। पर दुख हुंदा सी पिछे जे 2 साल पहला 3 साल पहला बोर्डां दे रंग मारते तां सानू अमृतसरों फोन जाया करदे, कदे गुरदासपुरों, कदे जलंधरों कि भाई साडे भी बोर्डां दे उत्ते पंजाबी थले लिखी हुई है तुसीं रंग मार के जाओ, मगर वी तुसीं की करदे हो। साडी इक आदत बण गई, आदत की बन गई, जिहड़े 2-4 बंदे मोहरे लग गए सानू यही लगता होंदा कि हुण साडे रहिबर यही ने, सानू यही जंग जित के देणगे, इह गलत है। जदों असी अखां मीच के भरोसा करते हैं किसी भी इंसान ते, अन्ने भगत मैं कहना हुंदा अन्ने भगत असी बणदे हां, वह गलत है। असी बहुत छेती भावुक हो के जज्बाती हो गए बंदे ने मगर लगना रहे, कोई बंदा मेरे वर्गा उठ के चार गल्लां पंजाबी दीआं कर दे
पानी की गल करते, पंजाब के हकों की गल करते, पंजाब के मुद्दों की गल करते तो सानू लगन लग जा भी यही साडा हीरो है, यही आगू है, यही पंजाब का बेड़ा बन्ने लाऊगा। असी उहदे मगर मेरे वर्गा आदा लैके लाहा छड़ियां दा लोकां नूं खड़े खड़ाए इस समझ वाली गल मैं शंभू भी बोलिया सी। तीन गल्लां मैं अज इत्थे भी तुहानूं कहणियां चाहुंदा। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਗੇ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਬਚ ਜਾਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਨੇ जे 24 घंटे दिमाग घुमाते, उन्होंने मारना किवें आ, वो समझ गए कि इतिहास इस गल का गवाह। इतिहास पढ़ लो कि जिहड़ी कौम नूं मारना सब तो पहला उहदी बोली मारी जाए, उहदी जबान नूं मारिया जाए, कौम आपे मर जाती है। असी नहीं समझे, साढ़े नहीं पल्ले पई गल, तां मैं गल कह के जाऊँगा अज कि दो तीन गल्लां दा दिमाग दे विच ख्याल रखियो। पहली गल तो मैं कहनी चाहना, समा बड़ा भयानक आना है, खतरनाक दौर उन्हें आना है। इतू बाद हमले तिखे होने ने, तेज होने ने, हमले खतरनाक होने ने। तो हर बंदे दे कोल एक हथियार घरे होना बहुत जरूरी है। चाहे साढ़े रवायती हथियार ने पुराने, चाहे नवे हथियार ने। वो कई बार मैं शंभू भी बोलिया, दूजू ना समझ आए नजायज नहीं कहना भरा, वो जायज लसंसी हथियार। आम तौर पर आप कह दें कि छड़ो यार हमें पैसे लावे, लख रुपये की 50,000 की कोई रफल लवेंगे, कोई पिस्तौल खरीदा, कोई गल नहीं, जिते असं होर तंगियां तुरसियां झलते हैं। ये मैं गल क्यों कहना, क्यों कहना सुन लो। दिल्ली के जो 84 के कतलेआम होया सी ना, जिन्ना बंदिया को अपनी रक्षा लिए हथियार से वह बच के, जेडे निहत्थे सी अगले ने टायर पा पा के फूकते। दूजी गल, इत्थे मेरी गल पुलिस भी खड़ी सुनती है, ये मेरी गल नूं कोई IAS बंदा भी सुनूगा, IPS बंदा भी सुनूगा, होर जिहड़े अफसर शाही दे लोग ने भी सुनणगे। मैं उन्हां नूं भी कहना चाहुंदा कि दिमाग दे विच भुलेखा ना रखियो कदे, ये वहम ना रखियो कदे कि असी तां जी हद ते लड़के आए हैं 20 साल, ये देश दी सेवा की है, अज दा सिस्टम का हिस्सा है। किसी ने नहीं पूछना जिते सोने अगले ने देखना भी सिर पर दस्तार है, ला दो गाटा फूक दो। इहदियां दो उदाहरण दिंदा, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति सी दिल्ली, उहदी कार नूं घेर के अग लाती सी, अगले ने यह नहीं देखा कि देश का राष्ट्रपति है। जनरल अरोड़ा जिन्हें 90,000 कैदी छड़ा बंद कर लिया सी, कैदी बना लिया सी पाकिस्तान का फौजी, अगले ने उन्हों घर भी घेर लिया सी, यह नहीं देखा सी उन्हें देश की खातर की किया। ये किसी भुलेखे च ना रहो। तो मैं कहना भरावो, हथियार शस्त्र रखने अपनी रक्षा लई, अपनी सुरक्षा लई, आप किसी जुर्म कर लई नहीं रखने कि किसी मार लई रखने। तो दूजी गल मैं कहनी चाहना, एक गल का ख्याल रखियो कि हुण सब तो जिहड़ी वो पता, असी तो यार उत्थों तक सोच ही नहीं सकते जिथों तक वो सोचते हैं, उन्हें सोच शुरू होंदी है। और जिवें एक फिल्म का सीगा, कबीर बेदी की फिल्म सीगी, वो कहिंदा हुंदा फिल्म च, वो कहिंदा जिथों तुसीं सोचना पता नहीं सोचना बंद करते हो उत्थों मैं शुरू करदा, जां जिथों तुहाडी सोच पहुँचती है खत्म हो जाती है उत्थों तो मैं शुरुआत करदा। वो इत्थों एडे एडे दिमाग ने, वो की कर रहे आ, साडे विच साडे चेहरे दाड़ियां रखियां हुई ने, अमर छके हुए ने, दस्तारां सजाईयां होईयां ने, पर बंदे उन्हां दे। असी ये गल का बहुत गौर नाल ख्याल रखना कि कई बार ना सानू इस तरह भी आ साडा चेहरा, साडा बंदा, साडे हक की गल करदा, पर की पता बंदा किहदा, हुण सानू की पता, तुसीं मेरे दिल च बढ़ के देखा ये बंदा किहदा। मैं कहिंदा एजेंसी का बंदा हो सकता कि सरकार का बंदा हो सकता, क्योंकि जदों लोगों के बढ़ना हो गए लोगों की पहला गल करनी पैंदी है, लोगों के हकों की गल, हितों की गल। फिर जो लोगों का भरोसा बढ़ जाए, विश्वास बढ़ जाए,
फिर बंदे वरतद लोगों कौम कि मगर लाना यह गल है खास ख्याल रखना है। तीजी गल मैं चलो माझे की धरती से आया इतिहासक धरती है इतने गल जरूर करूँगा कि साढ़े बच्चे बड़े बखेड़े खड़े किए जाते हैं वक् वक् ग्रंथों के उत्ते धार्मिक ग्रंथों के उत्ते बड़ा प्रचारकों द्वारा सानू भंबल भूसे भी पाया गया कौम दुचित्ती पा दी गई दफाड़ हो गए अदे उधर हो गए अदे उधर हो गए। मैं एक ही गल कहना चाहना भावो भरोसा भरासा हम बहुता सानू किसी रहा नहीं है क्योंकि साढ़े धार्मिक बंदे प्रचारक ने चाहे दूजे तीजे ने वो भी यह जी हो गए। एक ही गल कहूँगा जे असी बचना है अपनी कौम की होंद हस्ती बचा के रखना है तो गुरु ग्रंथ साहब के गल लग जाओ मैं अमृतसर पिछले दिन ही आया जो सरूपां का मसला चल रहा जिहड़ियां सरूप जिहड़े गायब हुए ने तो एक पत्रकार ने मैनूं सवाल करता तो मैं उन्हें यही जवाब दिता सी कि यार सानू गुरु गोबिंद गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगना चाहिए सानू किसी दा भरोसा नहीं करना चाहिए तो उत्थे कई बंदिआं ने होर मतलब कढ लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि असी खुद पढ़ के तो खुद खोजना शुरू कर दिए उन्हें पता की होंगे मैं भी नहीं पहला पढ़ता मैं भी हूँ शुरू किया कि एक तो साढ़े जिहड़ा हौसला पैदा होंगे प्रेरणा मिलती है सानू एक निडरता एक हौसला बनता बंदे का एक दिशा मिलती है क्योंकि असं दिशाहीन हो गए हैं साढ़े को कोई आगू नहीं है जो सू दिशा दे सू दिशा जी दे सकता गुरु ग्रंथ साहब दे सकता मैं बार बार गल पर जोर दिना कि किसी ने मगर लगन की बजाय अभी खुद ही गलते आ गए। सो भरावो अखीर के उत्ते मैं गाने वाले भरावान भी गल कहनी चाहना है कि चंगी गल है धन्यवाद है थोड़ा तुम हमला मारिया नौजवान थोड़ू सुनते हैं तो आने वाले समय के कते ये ना हो ठीक है जी गाने वाले ने या मेरे वर्ग ने इतने उठे इकट्ठ कर ले तो इकट्ठ करके जो अगे झोने की वाढ़ी शुरू हो गई जी तो ब्याह का सीजन शुरू हो गया खाड़े खूड़े लगन लग गए गाने वाले के उधर ना भरावो हो जाओ तुम इन्ना क मैं कहना चाहना कि यह लहर न लहर बनाई रखियो क्योंकि संघर्ष लम्मा जाऊगा कहते आप कई बार छड़ जाने भी यार छोड़ो निराश हो जाने हताश हो जाने भी छड़ दे यार बहुत समा सड़कों पर भी देख लिया नहीं कोई फर्क नहीं पैदा संघर्ष ने जोड़े वो अं होंगे ने कदे भख गया तिखा हो गया कदे ठंडा हो गया मध्यम हो गया अं चलते होंगे आ। सो गाने वाले में यही कहना भी तुम ये लगातारता जी जो बनाई रखोगे जिमें धन्यवाद थोड़ा कि तुम लगातार कई दिन जो बख धरनिया मुजाहरिया के उत्ते जामा के आ रहे हो तुम अगवाई कर रहे हो नौजवानों को समझा भी रहे थोड़ा धन्यवाद है इस गलों पर यू लगातारता यह बनाई रखियो छोटी मैं कहना कि गाने वाले की भी एक कमेटी बन जाए अब तुम गाने वाले जिम्मे जथेबंदियां किसानों ने होर जथेबंदियां लड़ रही ने एवं एक जथेबंदी जी गाने वाले भी बन जाए ताकि तुम भी जरा लोगों नौजवानों प्रेरित कर सको क्योंकि जी गल तुम समझा सकते हो सू नव नौजवान 15-16 साल वाले 18-20 साल वाले सुनते हैं तो उन्होंने कोई होर बंदा गल नहीं समझा सकता क्योंकि जो थोड़े शदाई ने छोटे मगर फुटमार्च आने लिये तावले होंगे ने तो जो तुम उन्होंने गल कहोगे तो उन्होंने सीधी गल दिल में लगेगी और थोड़े गाने वाले कहें अरे मैं गीत भी सुनता कि इस मसले को लेके आ बिल को आ कानून को लेके गीत भी आए हैं। सो वो भी वधिया गल है गीतों राही भी प्रेरित करो अपने प्रचार राही भी प्रेरित करो उन्होंने समझाओ भी जिते कोई सैल्फी खिचाने वाले भी आते हैं फोटो वाले आते हैं उत्थे भी समझाओ कि यार ठीक है फोटो खिचाओ कोई गल नहीं जी आया जिवें शंभू के उत्ते बई जिहड़ा जस बाजवा है वो एक नौजवान फोटो खिचाने आया भीड़ वाली सी तो फोटो आ जी खिचाई ना गई बई तो जस तो कहना यार मैं एड्डी दूरों चल के आया तो मैं तेरा उपासक है तो तू फोटो नहीं खिचा यार चंगा बंदा गुस्से मसाले वाली लोड़ा नहीं है लड़ाई यह साड़ी अपनी खुद की लड़ाई है असं ये समझिए कि पंजाब मेरा है ये किसी बंदे ने सियासी बंद होर बंद प्यो का पंजाब नहीं ये लड़ाई मेरी है किसी दूजे बंद की लड़ाई नहीं जथेबंदी की गायकों की किसी होर की नहीं ये मेरी लड़ाई है जब चाणक्य नीति के गल आती है मैं क्यों बार बार इस गल से जोर दिना कि किताबा पढ़िया करो इतिहास पढ़ो
बड़ा कुछ सीखने मिलता है। चार क्या रीति जी गल आती है कि विपता जी विपता तो उन्ना चिर ही डरना चाहिए जिन्ना चिर दूर हो गए, पर जो विपता थोड़े गल पै जाए फिर डरी नहीं होंगे, पिछे नहीं हटी जाता, फिर लड़ी का होंगे। हमें विपता लड़ाई साढ़े गल पेगी, अगे जिंदगी है पिछे मौत है, पछा हट गए तो समझ लो खत्म है। अगलिया ने अगला फैसला लेना एस वाई एल का, साड़ा पानी इतों कट के लैके जाएंगे। उदू अगला फैसला आना है 2021 मर्दमशुमारी आ रही है, साड़ी जवान को खत्म करना है। अगला फैसला आना है पूरे भारत के दरियावान जोड़न की कोशिश कर रहे हैं, साढ़े दरिया ने जोड़े सुक जाने ने, क्योंकि हिमाचल तो साड़ा पानी मोड़ के गुजरात तक ले जाना चाहते हैं। सानू जमा एन घसियारे बना देने हैं, मजारे बना देने हैं, जमा निखरद निकम्मे कर देना, एक एक हमला कर देना। एक एक गल समझा करो, मैं ता कहना दीन दुनिया की जानकारी रख्या करो, अखबार खोराना मत्था मार लिया करो, चंगे पत्रकार ने NDTV वर्गे चैनल ने उन्होंने सुन लिया करो, तो माड़ा मोटा थोड़ा अपना दिमाग रोशन हो गए। नहीं अभी जो बंदा कहता मेरे अर्गा बोली गया, खुद को कोई पता नहीं, कहना ठीक है जी, हाँ आह बंदा सही गल कर, हम आपको पता ही है नहीं कुछ। हम पत्रकार नौजवान जो मुंडे ने पत्रकार ने नौजवानों को आके पुछते हैं कट्ठा च, यह तीन बिल पास हुए ने, आर्डीनेंस ने, कानून बनया की है, सानू तो पता नहीं जी। उठे फिर साड़ी तुरंत खिली उड़ती है, साड़ा मजाक बनता है। जेडे नैशनल चैनल ने कहा देखो ये लड़न गए लड़ाई जिन्होंने आर्डीनेंसा बारे नहीं पता, बिलों बारे नहीं पता, कानून बारे नहीं पता। ये समझो मेरा वीर, ये गल पढ़िया करो, जो भी कोई इस तरह की गल आई बारे थोड़ी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सो भरावो अखीर के उत्ते फिर मैं बार बार अखीर की गल करदा, हुण अखीर नूं ही करूँगा कि लड़ाई नूं की रूपरेखा दिती जाए, की इहनूं अगे दिशा दिती जाए, किवें संघर्ष विढ़िया जाए। तो सारिया किसान जथेबंदियों नूं मैं क्यों गल करदा कि क्यों, मैं उन्होंने इत्थों तक भी कहता मैं तुहाडे मेरे नाल कोई निजी बखरेवे हो सकते हैं, छोटे किसी होर बंदे का मतभेद हो सकते हैं, इतने बखरेवें की गल मतभेद की गल छड़ के तुसीं अगे लग जाओ, असीं तुहाडे मगर लगन नूं तैयार, छोटा ही झंडा होगा। वो मैं क्यों कहना वार बार गल, उन्होंने अपनी जिंदगी के 30-40 साल संघर्षां च गाले ने, तजर्बे ने, संघर्षां नूं किवें लड़िया जाता, किवें सरकारां नूं पिछे हटाया जाता, उन्हां दा दिमाग, उन्हां दी रणनीति ते नौजवानां दा जोश कठ हौसला जे इकट्ठे हो जाण, इहदा सुमेल हो जाए तो लड़ाई जीती जा सकती। सो अगली रणनीति जी उन्हां नाल ही मिलकर जी तय करांगे सारी गलबात, काली ना करियो, तत्ते ना होया करो, बहुत काली करता भाई छेदी चलो छेदी चलो, नहीं छेदी चलांगे जाके टकरा के मुड़े आवांगे घर च पैदा इत्थों सकम हासिल तो कुछ होना जी। सो धन्यवाद सारिआं दा बहुत बहुत। एक मेरा वीर मैं गल कहनी चाहुंदा कि जदों कोई बंदा बोलता तो जयकारा बुला कर, जयकारे नाल साढ़े च ना अंदरों एक ताकत जी आउंदी है बंदे दे अंदरों ही, महसूस जिहा हुंदा कुछ, ताड़ियां बजाउण दी बजाए ना जदों कोई बंदा बोल के हटदा जां गलबात हुंदी है तां जयकारा छड्डिया कर। बोले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।